थाना पहुंचकर महिला करने लगी तंत्र मंत्र। महिला तंत्र मंत्र से छुड़ाने लगी अपने पति को। मंत्र फूंक कर पुलिस वालों पर छिड़कने लगी चावल। महिला ने अपने आप को बताया मां दुर्गा का अवतार। फिर क्या हुआ थाने में, देखें इस रिपोर्ट में। एक महिला के शराबी पति को जब पुलिस ने पकड़ा तो थाने पहुंचकर तंत्र मंत्र फूंक कर अपने पति को थाने के हवालात से छुड़ाने में लग गई। महिला को विश्वास था कि उसके तंत्र मंत्र से जेल का दरवाजा खुलेगा और उसका पति हवालात से बाहर आ जाएगा। महिला घंटों तंत्र मंत्र और झाड़फूंक करती रही और मंत्र फूंक कर पुलिस वालों पर चावल छिड़कती रही। जब ये सब हो रहा था तो पुलिस वाले भी अपने ऊपर चावल फेंकता देखकर चौंक गए। ये तस्वीर उसी थाने की है जहां हवालात के पीछे उसका पति सहित पूरे थाने में मंत्र फूके हुए चावल फेंक रही थी। महिला ने अपने आप को मां दुर्गा का अवतार बताते हुए पूरे थाने को भस्म करने की बात कही। पहले सुनिए कि महिला ने क्या कही और हम बताएंगे कि महिला की शराबी पति महिला के तंत्र मंत्र से बाहर आया या नहीं। पूरा मामला बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र की है जहां पति को छुड़ाने के लिए महिला आई पुलिस के सामने, तंत्र मंत्र कर टोना टोका कर खेलती नजर आई। सिकंदरा थाना क्षेत्र के पंचमहुआ मुसौरी निवासी कार्तिक मांझी को शराब के नशे में पुलिस ने पकड़कर जेल भेजने के लिए हवालात में बंद किया था। इसी दौरान हाजत में बंद पति कार्तिक मांझी को छुड़ाने उसकी पत्नी ने हाथों में डंडा लेते हुए अपने आप को मां दुर्गा का अवतार बताते हुए सिकंदरापुर थाना पहुंच गई। इस दौरान थाना में महिला ने जमकर नौटंकी की। थाना पहुंचते ही महिला ने तंत्र मंत्र करते हुए उपस्थित सभी थाना के पदाधिकारी एवं अन्य लोगों के सिर के ऊपर चावल के दाने छींटना शुरू कर दिया और इसी दौरान महिला ने कहने लगी कि मेरे आदेश के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। वहीं इस महिला के साथ पहुंची महिलाओं ने बताया कि यह एक भक्तिनी है, इससे ज्यादा तुम लोग बात मत करो। महिला की नौटंकी देखकर थाना अध्यक्ष जितेंद्र देव दीपक के आदेश पर पुलिस के द्वारा उसे थाने से बाहर निकाल दिया गया और उसके पति को जेल भेज दिया गया।